हमारी ईमानदारी बल्तिस्तान वालों की पहचान है और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की भी पहचान है। जैसे एसपी वैसे सिपाही टेरर की एंट्री करते हैं। पुलिस की तरफ से तो अभी तक हमें कोई मसला नहीं आया, काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। कुछ हमें और यूज़फुल टिप्स दे दें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं मेहंदियाबाद चेक पोस्ट पर। आज और यहाँ पर मेहंदियाबाद चेक पोस्ट पर इस वक्त कुर्बान अली कॉन्स्टेबल इस वक्त ड्यूटी दे रहा है। हाल ही में स्कर्दू में एक टूरिस्ट का 3 लाख रुपये और iPhone 12 कुर्बान अली को मिला था और उसने वापस किया टूरिस्ट को। हम कुर्बान अली से इस 3 लाख वापसी और iPhone वापसी करने वाला कहानी जानते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल जी? ठीक है भाई। अच्छा, आपको हाल ही में स्कर्दू से 3 लाख और iPhone 12 मिला था, आपने वो वापस किया, आपने क्यों नहीं रखा? मैं सबसे पहले खसमन टीवी खरमन के इंतहा मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए इंटरव्यू लेने के लिए। तो लास्ट टाइम दो हफ्ते पहले मैं स्कर्दू के कैंप पे था, तो कहीं इस बार सतपारा जाने का इतफाक हुआ मुझे। वहाँ पर रास्ते में एक फॉरनर की एक बैग मिला, वहाँ पे एक आईफोन मोबाइल और 3 लाख कैश रुपये थे। तो मैंने वो पैसे सिटी थाने में लाके जमा करने की कोशिश की, लेकिन अंदर बैग पे एक चाबी पड़ी हुई थी। वो चाबी माउंटेन लॉज होटल की चाबी थी। तो मैं मुतल्लिका होटल पे गए, तो वहाँ पे जो लोग थे उनको बताया, तो उन्होंने कहा वो लोग शंगरेला गए हुए हैं। तो उन्होंने से बात करवाया मेरा, फिर मैंने उनसे कैप्टन पुल सिकर्दू में उनको वसूल किया। तो इसका ये देने का मेन मकसद ये था कि हमारी बल्तिस्तान की पहचान है, हमारी ईमानदारी बल्तिस्तान वालों की पहचान है और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की भी पहचान है। हम अपने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की इमेज को ख़राब करना नहीं चाहते, बल्कि हमने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की इमेज को पूरी पाकिस्तान में हाईलाइट करना चाहते हैं। और स्पेशल हमारे खरमंग के SP जनाब नबील अहमद PSP साहब की सख्त से सख्त तरीन अहकाम हमें दिए गए ईमानदारी के हवाले से। बार बार हमें ये अहकाम जारी करते हैं कि आपने सबसे पहले ईमानदारी से अपनी ड्यूटी फ़राइज सर अंजाम देना है और आवाम की जान और माल की तहफ़ अवलीन ज़िम्मेदारी करार दिया हमें। तो SP साहब भी इंतहाई काबिल और ईमानदार ऑफिसर है, जैसे SP वैसे सिपाही। इंशाल्लाह हम किसी किस्म की ईमानदारी करने से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान और खरमंग के आवाम की जान और माल की तहफ़ के लिए किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मेहंदियाबाद चेक पोस्ट पर आप लोग टूरिस्ट को किस तरह गाइड करते हैं? यहाँ पे हम बहुत अच्छी गाइड करते हैं टूरिस्ट को। हम सबसे पहले यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको हम यहाँ पे कूलर रखे हुए हैं, चश्मे से ठंडा पानी लाए हुए हैं, पहले हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर टूरिस्ट की एंट्री करते हैं, उनकी बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। इंशाल्लाह हमसे उनकी भी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेंगे। अच्छा, खरमा में टूरिस्ट की गाड़ी कितने इंटर होते हैं एक दिन में? एक दिन में तकरीबन 400-350 गाड़ियाँ एंट्री होती है दिन में जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कहाँ से हैं? सर जी पेशावर से आए हम। अच्छा सर, यहाँ के जो पुलिस से ये लोग अच्छा गाइड करते हैं या नहीं करते सर? पुलिस की तरफ से तो अभी तक हमें कोई मसला नहीं आया, काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं और जगह जगह पर जो है वो हमें वेलकम करते हैं। बल्कि हम जब बाबूसर टॉप से आ रहे थे तो उस वक्त वहाँ की जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो बार बार, हम थोड़े लेट हो गए थे लेकिन हमें कोई इसमें किस्म की दिक्कत नहीं हुई, बार बार वो हमसे पूछ रहे थे और खुसूसन वो हमें अपने जो हमारे टायर्स थे उनके बारे में हमें बार बार कह रहे थे कि ये गर्म हो चुके हैं, आपके ब्रेक लेदर जो हैं वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं। तो उसके मुताबिक उन्होंने बड़ी हमें गाइडिंग की और बड़ी कोऑपरेशन की। और मेरे ख्याल में तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के खुसूसन पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं और किसी किस्म की हमें अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के कुछ जो भी इश्यूज़ होंगे तो वो अपनी ड्यूटीज़ करते रहते हैं, लेकिन जो बेजा जो किस्म की दिक्कत होती है वो शुक्र है हमें अभी तक फील नहीं हुई। अच्छा, खरमंग पुलिस की जानिब से आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है? नहीं, फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में कोई शिकायत नहीं है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी जो एक किस्म की गाइडेंस है वो थोड़ी और ज़्यादा कर लें, कुछ हमें और यूज़फुल टिप्स दे दें। बाकी जहमत तो नहीं हुई और एक्सपेक्ट हम करते हैं कि और ज़्यादा कोऑपरेशन वो करेंगे हमारे साथ। थैंक यू सर।